हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर, मिस्टर बल्ला। हाँ जी, हाँ जी, बल्ला बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून। Yes, sir. So I just wanted to about like know about my thyroid this thing. Like what I have to do just to cure it. आप fluid एक तो आप weight और height बताइए। अच्छा 5 and around 59 or 60. I didn't like to do it. Height 5. Height 5. Yes, yes. Yes. Okay. And 59 and 60 around. हाँ ठीक है, तो आप का फूड इंटेक का आइडिया दीजिए कि आप एक बारी में कितना रोटी खाते हैं या चावल। राइस क्वार्टर प्लेट, फुल ऑफ क्वार्टर प्लेट। एंड चपाती 3, मैक्सिमम 3, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। ज्यादातर कितना रहता है? 3। ज्यादातर 3 रहता है। हाँ, बट माय चपाती इज वेरी यू नो स्मॉल एंड वेरी लाइट ही है। तो 3 2 के बराबर ही है। एग्जैक्टली। आप यूजली डाइटिंग वगैरह करते हैं या जानबूझ के थोड़ा सा कम खाते हैं? आई डोंट डाइट, नो नो नो। मैं मेरा खाना तो सी मेरा भूख भी है जैसे ठीक ही है, मैं खाती हूँ। ब्रेकफास्ट आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, आई टेक लंच एंड आई डू सम चिट चैट लाइक थोड़ा सा इन बिटवीन कुछ बिस्किट ले लिया या हल्का सा स्नैक ले लिया। उसके बाद में आई टेक माय डिनर, समटाइम आई टेक डिनर, आई समटाइम आई टेक लाइक बिस्किट ब्रेड और समथिंग लाइक दिस। आई डू दिस समटाइम्स। क्या? Sometimes I like take bread or sandwich, no? Sometimes I take biscuit with yes with coffee or something. I don't eat proper food or dinner at night. उसकी थायराइड ठीक नहीं होगा आपका। अच्छा, तो उसी के लिए मैंने थायराइड क्या होता है, थायराइड का बेसिक फंक्शन क्या होता है वो मालूम है आपको? नहीं, ब्लड का रिलेटेड है बेसिकली। नहीं नहीं, लंग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, थ्रोट से कोई लेना देना नहीं है। जो थ्रोट ग्लैंड्स होते हैं हमारे, मुझे तो इतना ही पता है। हाँ, थ्रोट में होता है, बट उसका उसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी को रेगुलेट करने का होता है। आपका ब्रेन है, एनर्जी कंज्यूम करता है। जब आप सो भी रहे होते हैं तो आपके शरीर में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसका 20% ब्रेन खा लेता है। एग्जैक्टली। इसी तरीके से आपके हार्ट को, किडनी को, लीवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, सबको एनर्जी चाहिए और बहुत एनर्जी चाहिए। जब वो एनर्जी नहीं मिल पाती है सब्जी रोटी कुछ ले लिया, और कभी कभी होता है कि नहीं लेते हैं सिर्फ क्योंकि आपकी बॉडी को, आप खाओ या ना खाओ, आपकी बॉडी को 365 दिन 24 घंटे एनर्जी चाहिए। आप स्टार्व करना किसको कहते हैं? जब आपको भूख लगती है, अगर आप खाना छोड़ दोगे तो आप थोड़ा सा बेहोशी टाइप में हो जाएगा पर आपको भूख नहीं लगेगी। तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ स्टार्विंग। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, मेडिसिन सिस्टम के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर किसी भी चीज की कोई भी डेफिनेशन नहीं है। किसी चीज के बारे में प्रॉपर डिस्कशन नहीं है, किसी की मतलब पानी पीने के ऊपर तक कोई डिस्कशन नहीं है। एक आदमी बोलता है जी 6 लीटर पानी पीना चाहिए, दूसरा कहता है आधा लीटर पीना चाहिए, तीसरा कहता है। व्हाट आई वांटेड टू नो, क्योंकि आई एम हैविंग लाइक टुडे आई डिडंट हैव मच वाटर, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई फील लाइक प्यूकिंग एवरी टाइम आई सी द वाटर, आई फील लाइक प्यूकिंग, मुझे प्यूक जैसा फील हो रहा है पानी को देखते ही। पर आप कितना पानी पीते थे पहले? मैम 3 बॉटल्स इन अ डे तो मैं लेती ही हूँ, उसके अलावा एक ग्रीन टी ले लिया, एक कॉफी ले लिया। 3 बॉटल्स क्या कह रहे हैं? 3 बॉटल तो लेते लेते हैं पानी के। हाँ, 3 लीटर। यस सर। सुबह उठकर भी खाली पेट पानी पीते हैं आप? नहीं नहीं, खाली पेट तो नहीं मैं पी पाती। खाने के साथ भी नहीं पीते? खाने के साथ भी नहीं पीती। वो मुझे राजीव ने बताया कि आई हैव टू लाइक टेक सम वाटर विद फूड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आप करते क्या है? आई मीन अ सैलून लाइन बेसिकली, आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट हूँ। मैडम आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर भी है, मतलब मेडिसिन लाइन में ही है? नो नो नो, इट इज सैलून लाइन बट आउटर लेयर पे वर्क करते हैं हम लोग। वी आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऑन फर्स्ट लेयर, वी वर्क ऑन फर्स्ट लेयर, इट इज थेरेपी। ओके, या वो भी आपका काम नहीं करता है? हाँ जी। जो आप कॉस्मेटोलॉजी की बात करें, बेसिकली स्किन के कॉम्प्लेक्शन वगैरह के ऊपर। हाँ, इट्स लाइक ब्यूटी थेरेपिस्ट है हम लोग बेसिकली। तो ब्यूटी फेशियल्स है आपका, और जो एक्यूप्रेशर के साथ में थेरेपीज होती है दैट वी डू। आपके जितने भी थेरेपीज हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी साइंस है, नथिंग विल बीट अनदर थिंग किसी भी को स्किन
स्किन में पिगमेंटेशन है, स्किन में डार्क पैचेस हैं, स्किन में अनइवन स्किन टोन है, विद इन 3 days इट कैन गो विदाउट एनी थेरेपी, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी लोशंस और एनी केमिकल्स. 36 आवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन विल टेक केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ अनइवन स्किन टोन. टू मेक द स्किन फेयर, जितना सन टैनिंग होता है, जितना भी चीजें होती है, 90% ऑफ द पेशेंट्स विल रिस्पॉन्ड टू डिहाइड्रेशन. पानी बंद कर दो ठीक हो जाएगा 36 घंटे में. एंड दिस हैज बीन टेस्टेड ऑन सो मेनी पीपल एंड इट नेवर बीट्स. जो जितने भी स्किन फेयरनेस की क्रीम्स वगैरह होती है, स्किन फेयरनेस होता है, बट डिहाइड्रेशन वर्क फॉर एवर. आप पानी बंद कर दो किसी का भी एक दिन के लिए, वो ठीक हो जाएगा. एनीवे कमिंग बैक टू थायराइड, तो थायराइड डील्स विद द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी एंड थायराइड मीन्स योर वाइटल ऑर्गन्स आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट एनर्जी. सो आपकी बॉडी में जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है उसमें कुछ ऑक्सीजन जनरेट, मतलब T3 T4 होता है ना, तो TSH जो होता है वो उनको स्टिमुलेट करता है. यूजुअली गो फॉर माय TSH टेस्ट. हाँ बट TSH और कभी कभी T3 T4 भी करा लेना चाहिए. T3 और T3 T4 आपको ये बताता है कि आपके सेल्स में, टिश्यूज में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन है. TSH का काम होता है T3 T4 में अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही तो उनको स्टिमुलेट करके ज्यादा एनर्जी देना. तो TSH इज एन इंडिकेटिव ओनली थिंग. अगर आपका T3 T4 ठीक आ रहा है तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है. हाँ वो ठीक आ रहा है. मेरा TSH ही थोड़ा डिस्टर्ब होता है जब भी होता है. कितना डिस्टर्ब होता है? जैसे अभी 6 months बैक तो काफी हो गया था, मतलब 18-20 का डिफरेंस था, 20-30 अराउंड. अभी मेरा बीच में था 2-3 points का डिफरेंस था, 5 points का मैक्सिमम जो डिफरेंस था वो 5 points का था कुछ. देखिए जो गर्मियां आती हैं, गर्मियों में डिफरेंस कम हो जाता है, उसमें आपके किसी कुछ करने से नहीं होता है. गर्मी में हीट ज्यादा होती है, आपकी बॉडी को कम फाइट करना पड़ता है. दूसरा होता है टाइमिंग का, जैसे आप सर्दी में 8 बजे उठेंगे, 8:30 बजे टेस्ट करा लेंगे, तो उठने के बाद में जितना कम गैप होता है TSH उतना ज्यादा आएगा. अच्छा. रात को सबसे ज्यादा TSH होता है सोते हुए. तो सर्दी में अगर आप लेट उठे और लेट आप लेट उठने के बाद आपने 8:30 बजे टेस्ट करा लिया तो वो हाई आएगा. गर्मी में आप 6 बजे उठे और 8:30 बजे टेस्ट करा रहे हो तो अपने आप से लो आएगा. तो ये जितना भी फ्लक्चुएशन होता है वो सारा का सारा ये शो नहीं करता कि आप ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे. आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको कितना एनर्जेटिक लग रहा है, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गोइंग फॉर दीज टेस्ट. अभी आप मेडिसिन लेते हैं? यस, अभी तो आई एम हैविंग लाइक 100 mg अल्ट्रोक्सिन, बट फॉर द लास्ट 4 months आई डिडंट गो फॉर टेस्ट, सो आई हैव टू गेट डन माय टेस्ट. ओके. तो अभी एक लेडी का रिस्पॉन्स आया था, आई थिंक गुवाहाटी या कहीं से. तो शी हैड कॉल्ड आफ्टर फॉलोइंग हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन आफ्टर 1 month और सो, एंड शी सेड उनका जो थायराइड आया था TSH वो शायद 2 point something आ गया था आफ्टर 1 month, एंड शी वाज टेकिंग मेडिसिन 75 ले रहे थे और उसके बाद उन्होंने 25 में स्विच ओवर कर दिया था. उसके बाद एक दो बार फोन आया तो उसके बाद उन्होंने कुछ नेगेटिव नहीं बताया. आई डोंट नो अभी फीडबैक आना ड्यू है उनका. और दूसरा जो होता है वो आपके लिए भी सजेशन वही है कि आप खाने के साथ में पानी पीजिए, खाने के अलावा लिक्विड लेना बंद कर दीजिए सारा का सारा, चाहे वो ग्रीन टी हो या कोई सा भी टी हो. कोई भी मिल्क प्रोडक्ट मत लीजिए. मिल्क प्रोडक्ट तो आई डोंट ईट एनी मिल्क प्रोडक्ट कर्ड वगैरह भी नहीं. दैट टू वंस इन अ नो आई हैव नेवर हैड दिस लाइक आई एम एलर्जिक टू मिल्क प्रोडक्ट. आई फील लाइक प्यू कि मुझे उसके स्मेल से मेरे को प्यू होने लगता है ना. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो मैंने बचपन से कभी आई हैव नेवर टेस्टेड टी कर्ड एंड मिल्क. क्या चाय भी नहीं ली आपने कभी? मैंने मुझे टेस्ट नहीं पता था चाय की. तो फिर आपको चाय भी लेनी चाहिए. सर आई कांट हैव दैट क्योंकि मेरे को प्यूक हो जाता है उसके स्मेल से ही, मुझे प्यूक हो जाता है. जो आप बात बोल रहे ना, नहीं एक मिनट, जो आप बात बोल रहे ना, देयर इज अनदर गर्ल दिल्ली के आसपास, शी इज इन टच फॉर लास्ट 4-5 months और 6 months. उसका प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उसका सन टैनिंग बहुत सीवियर है, दूसरा उसके इचिंग और एक्जिमा टाइप से है. तो उनका जब भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल्स करते हैं,
शुरू से उनका 4-5 महीने से हो रहा है कि जैसे ही शुरू करते हैं 3-4 दिन में, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में फिर दोबारा से हो जाता है। तो उनका भी मैंने कुछ दिन पहले बोला, 10 दिन पहले, शायद 10 दिन भी नहीं हुए, कि आप चाय पीना शुरू करो दिन में 2 बारी। शीशेट में चाय पीती हूँ तो मुझे उल्टी हो जाती है। बट आई इंसिस्टेड, तो चाय को स्मेल भी नहीं कर सकती हूँ, पीना तो बहुत नहीं, आई एम इंसिस्टिंग, नहीं आई एम इंसिस्टिंग दूध मत डालो। हाँ, विदाउट मिल्क आई कैन हैव। हाँ, दूध मत डालो, कॉफी ले लो कि जिसमें भी कैफीन हो। ब्लैक कॉफी आई हैव, लाइक मैं ब्लैक कॉफी रूटीन से लेती हूँ, 1 कप तो लेती हूँ एक दिन में ब्लैक कॉफी। कब से लेते हैं? हो गया 1-2 साल हो गए सर। ब्लैक कॉफी लेते हैं आप? ब्लैक कॉफी पीती हूँ मैं, वो भी दैट विदाउट शुगर। आप ब्लैक टी ले लीजिए, ब्लैक जो चाय होती है, चाय में कैफीन ज्यादा होती है। ओके, और वो भी तभी मैं कह रहा हूँ अगर उसका भी जरूरत नहीं है, ना ग्रीन टी की जरूरत है ना ब्लैक टी की जरूरत है। बट जो आपने पीपिंग का बताया ना, उसकी वजह से मैं बोल रहा था। उसका रीजन क्या है, आपको क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है दैट इज मोस्ट लाइकली नॉट ईटिंग इनफ। वैसे तो उस लड़की का भी यही प्रॉब्लम था कि शी वॉज स्लाइटली ओवरवेट, बल्कि अगर आप हाइट के कंपेरिजन में करें तो शी वॉज ऑफ योर वेट एंड स्ट्रक्चर, शी वॉज 5'4" और समथिंग लाइक दैट एंड 50-68 के करीब वेट था। तो शी वॉज ऑल्सो मोर कंसर्न अबाउट वेट गेन, तो वो खाने का वही 2 रोटी या कुछ? सर, ऐसा कुछ नहीं है, आई ईट वेरी फैटी फूड, आई ईट चॉकलेट्स अ लॉट, आई ईट राइस अ लॉट। उससे कुछ नहीं होता, नहीं नहीं उससे नहीं होता, यू हैव टू ईट सफिशियंट क्वांटिटी ऑल्सो। देखिए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझिए कि आपका डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट, डाइजेशन को छोड़िए आप पूरी लाइफ के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टमक एसिड। स्टमक एसिड जितने स्ट्रांग होंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी। इम्यून सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब बोल सकते हैं। हाँ, तो स्टमक एसिड जितने अच्छे होंगे उतना आपका इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, उतना आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, उतना आपका हेल्थ भी सब जगह अच्छी होगी। अगर मान लीजिए यू मीन आई शुड हैव लाइक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग देन लंच। हाँ, और प्रॉपर खाइए पूरा, 3-3, 4-4 रोटी खाइए और बढ़ाइए इसको, और खाने के साथ में, खाने के अलावा जितना भी लिक्विड इनटेक है उस सबको कम करेंगे तो यू योर स्टमक एंड योर बॉडी विल हैव मोर स्पेस, सो यू विल बी एबल टू मीट मोर। लास्ट फ्यू डेज ऑफ यू लाइक हाँ फ्यू डेज ओनली आई एम फीलिंग कॉन्स्टिपेशन एज वेल, लाइक आई फील लाइक आई स्लीप वेरी टाइट स्टिल, वो सारा का सारा इसी वजह से है, वो सारा का सारा इसी वजह से है। 2 काम करने हैं आपको, एक तो पानी को रेस्ट्रिक्ट करना है, खाने के साथ पानी पीना है 1 गिलास, और खाने के बीच बीच में पीना है। आधा रोटी खाया, थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर आधा रोटी खाया, थोड़ा सा पी लिया, दैट्स वन। और इसके अलावा पी सकते हो? नहीं, पानी नहीं, उसके अलावा 2-3 दिन तो मत पीजिए। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ है अली से, तो मैंने आज मेरे को खुद से पिया ही नहीं जा रहा है मेरे से, मतलब अदरवाइज तो मैं अभी तक 2 बॉटल्स तो सुबह से पी ही लेती हूँ अपने लाइक वर्क प्लेस में आने के बाद में 1 लीटर एक बार पी लिया थोड़ा थोड़ा करके, फिर 1 लीटर पी लिया एक बार बिफोर लंच, 2 लीटर बॉटल आई हैड बिफोर लंच, उसके बाद में आई गो फॉर लंच। तो आप ऑलरेडी कम कर चुके हैं, कल कम पिया आपने? मैंने आज नहीं पिया सर, सुबह से मैंने सिर्फ आधा ग्लास पानी पिया है बस, मेरे को पिया ही नहीं जा रहा है पानी सुबह से। ऐसा ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया कि आपसे पिया नहीं जा रहा? पता नहीं, थोड़ा मतलब अलग से उसको पानी को देख के थोड़ा इरिटेशन सा हो रहा है। बट यूरिन वगैरह आप पास हो रहा है? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है? ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ था? आज नहीं था सर, आज नहीं था। तो वॉक एंड रेस्ट के बारे में बताया? आई हैड 3 लीटर बॉटल ऑफ वाटर and today I had only 1 glass, maximum 1.5 glass water, just that's it. ठीक है, आप पूरे दिन में 3-4 glass? No coffee, nothing. Okay, that's good. तो आप दूसरा काम और करना है, सुबह उठकर 5 मिनट घर में चलिए आराम से, और 5 मिनट लेट जाइए, फिर 5 मिनट चलिए, 5 मिनट लेट जाइए। That's what I started for the like last night. हाँ, from last night I started doing that. क्योंकि फिर आपका आपका सुबह भी अगर मोशन ठीक हुआ, पानी भी कम पिया, तो इसका मतलब है that has started working. Just ये दो चीजें करिए and just see within 15-20 days you will see lot of difference. आप ये दोनों चीजें मत छोड़िए. Medicine doses, can you tell me the doses? नहीं, doses अभी कुछ नहीं, आप टेस्ट कराएंगे उसके बाद कम करेंगे, क्योंकि उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है ना आपका डेली रूटीन पर पड़ता है, यू विल फील इरिटेटेड एंड अनकम्फर्टेबल अगर आप इतना 100 mg पर है. हाँ, बिकॉज फॉर द लास्ट 2-3 days आई वॉज फीलिंग वेरी लिथार्जिक, अदरवाइज आई एम वेरी एनर्जेटिक, लाइक 24 आवर्स आई एम रेडी टू डू एनीथिंग.
नहीं मेडिसिन आप अभी कंटिन्यू रखो, मेडिसिन आप कंटिन्यू रखो, और अदरवाइज भी मेडिसिन कंटिन्यू करने का दूसरा फायदा ये होगा कि आप हाइपर हो जाएंगे थोड़ा सा, मतलब मेडिसिन ज्यादा काम करेगी, थायराइड में आपका वेट चेंज होता है बेसिकली, इट्स अ मूड स्विंग सॉर्ट ऑफ सम टाइम, लाइक देयर इज नथिंग अराउंड यू, स्टिल आई गेट सम मूड स्विंग्स ना, कभी अपने आप गुस्सा आ रहा है, बेसिकली गुस्सा गुस्सा तब आता है जब आप कुछ करना चाहते हो, एनर्जी नहीं होती, जब आपके एनर्जी नहीं होती तो आप दूसरे को बोलोगे, दूसरा नहीं करेगा तो आपको खुद लगाएगी, तो गुस्सा हमेशा, एक थ्योरी होता है ना पुराना सुना, गुस्सा हमेशा कमजोर आदमी को आता है, दैट इज 100% ट्रू, जिसको माइग्रेन होता है, जिसको सर की प्रॉब्लम होती है ना कोई भी, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ, हाँ एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ एनर्जी इन द ब्रेन, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कारण पानी वानी कुछ नहीं होता, किसी से ठीक नहीं होता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी 20-30% एनर्जी कंज्यूम करता है टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी का, तो जब सर आई जस्ट वांट टू आस्क, कैन आई गो फॉर हॉट वाटर और जस्ट हैव टू नॉर्मल वाटर, सॉरी हाँ नॉर्मल वाटर लीजिए, बॉटल वाटर का कोई यूज नहीं है, उसमें मिनरल्स होते हैं तो अच्छा रहता है नॉर्मल वाटर, ज्यादा से ज्यादा वो जो होता है ना एक्वागार्ड प्लेन जो फिल्टर होता है, नॉट आरओ काइंड ऑफ थिंग और एनीथिंग, जस्ट प्लेन फिल्टर टाइप से, सो दैट्स एनफ, सप्लाई वाटर, सप्लाई वाटर जो सप्लाई होता है डायरेक्टली, देखिए जो डायरेक्टली होता है, और कई बार क्या होता है बारिशों में थोड़ा सा पानी खराब हो जाता है तो बारिशों में उबाल के ले सकते हैं आप, अदरवाइज जो नॉर्मल सप्लाई वाटर होता है वो, और एक प्लेन फिल्टर होता है ना वाटर फिल्टर, नॉट आरओ काइंड ऑफ थिंग, सिंपल वाटर फिल्टर जिसमें कैंडल्स लगी होती हैं, या ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जिसमें तीन कैंडल होती है, बस वो यूज करना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं करना चाहिए, वो मिनरल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो सिर्फ बैक्टीरिया को प्रॉब्लम करता है, सिर्फ बैक्टीरिया हटाना होता है, मिनरल कोई भी नहीं हटाना होता, पहले तो 100-200 टीडीएस का पानी बोलते थे, आजकल तो जो व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं तो 500-500 टीडीएस के आ रहे हैं कि 500 का पीना चाहिए, तो सर जो मैं 3 बॉटल पानी पी रही हूँ वो मुझे नहीं पीना है बेसिकली, आप नहीं आप खुद देखेंगे स्किन भी आपका बेटर होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे 3 की जगह, जैसे मैंने 3 बता रहा हूँ ना, आप जैसे जैसे कंफर्टेबल हो जाएंगे 4 या 5 पानी गिलास पानी दिन में पी सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका जैसे शॉप है आपका ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो इवन 3 इज एनफ फॉर मोस्ट ऑफ द डे, इनफैक्ट मैंने ये जब 3 पीना शुरू किया था खाने के बाद में तो मुझे 3 भी बहुत ज्यादा लगने लगा था, फिर मैं 1-1.5 पर ही आ गया था, ओके जस्ट इमीडिएट लाइक आफ्टर माई हैविंग माई लंच आई हैव टू टेक 1 or 2 or 3 ग्लास ऑफ वाटर, जस्ट 1 glass of water, जस्ट 1 glass of water, नॉट इवन 1, बिकॉज आप 2 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी के साथ आधा ग्लास भी काफी है, इतनी आटा गूंथते हुए जितना आटा होगा उतना पानी डालना है, ओके इंटरवल्स में मुझे आई हैव टू ड्रिंक वाटर, इंटरवल्स में पानी पीना है मुझे, थोड़ा थोड़ा खाने के बाद पी लिया, फिर थोड़ा कभी लगा तो पी लिया, नहीं, आप 3 रोटी खा रहे हैं मान लीजिए, 1 रोटी खाया थोड़ा सा पानी पी लिया, 2 रोटी खाई थोड़ा सा पी लिया, 3 रोटी खाई पूरा ग्लास खत्म, और अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं, हाँ अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 3 ग्लास भी नहीं पीना, 2/3 ग्लास कर लीजिए, 3 से 4 नहीं, उसके अलावा कोई लिक्विड नहीं लेना, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई चाय, कोई ग्रीन टी कुछ नहीं लेना, फ्रूट्स भी नहीं लेना, सलाद भी नहीं लेना, I don't take any green tea. I don't like any this coffee, black coffee. Just focus on walk and rest. 5 minutes chalna hai, 5 minutes rest karna hai. All right, sir. I'll do that. Okay. Thank you. Okay. I'll let you know in like after 15 days, sir. Theek hai, theek hai. All right. Thank you so much, sir. Thank you. Good day.